कल रात्रि को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर एनडीए के सभी साथियों के साथ बैठक हुई और पहले दो चरण का जो मतदान हुआ है उसका जायजा भी लिया गया और अगले तीन चरण की रणनीति पर भी बात हुई। पहले दो चरण में जो मतदान हुआ है उसमें दोनों चरण के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पास से एनडीए के सभी साथियों के पास जो रिपोर्ट आई है उसका नोट एक्सचेंज करने के बाद हमारा अनुमान बना है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही विजयी होने जा रहे हैं। युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चारों तबकों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के लिए भारी मतदान किया है और मैं मानता हूं कि यही मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण है। पूरे चुनाव अभियान में एनडीए की ओर से विकास का मुद्दा हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया है और कुल मिलाकर असेसमेंट लगाए तो एनडीए का टोटल प्रचार विकास पर केंद्रित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार पैकेज की घोषणा की है और बिहार के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शीय विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त, कुल मिलाकर 1,65,000 करोड़ रुपया जो योजना बनाकर प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता के लिए लेकर आए हैं, इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद बिहार की जनता की ओर से मिला है और वो इस मतदान में प्रतिघोषित भी हुआ है। बिहार की जनता में एक बहुत बड़ी इच्छा निकल कर आई है जो सरफेस पर दिखाई पड़ती है कि बिहार अब बीमारू राज्य नहीं रहना चाहता। दवाई, कमाई और पढ़ाई तीनों के लिए बिहारी को बाहर जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। ये स्थिति तब ही बदल सकती है जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी।